हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन निकालना है एंड द कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। जो दिया है वैल्यू लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म ए दे रखा 5, द लास्ट टर्म एल इक्वल टू 45, इसको एन भी कर सकते हैं। एस एन द सम इज सम दे रखा एस एन इक्वल टू 400। फाइंड द क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है एन और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हो तो एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एस एन कितना दिया है 400 डालते हैं। एन हमें फाइंड करना है एन बाई टू ए, फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, लास्ट टर्म दे रखा है 45। क्या हो जाएगा, 400 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 इंटू 2 इक्वल टू एन, 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50 एन हो जाएगा। एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या रहेगा, 400 इंटू 2 50 मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू एन। 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जा 40, एन कितना हो जाएगा 8 टू जा 16, एन आ जाएगा 16। अब फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए एन 16 दे रखा है तो हम ए एन निकालेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना होगा, ए एन दिया था हमें लास्ट टर्म 45, ए दिया है 5 प्लस एन माइनस 1, एन हमने फाइंड किया 16 तो एन माइनस 1 हो जाएगा, 16 माइनस 1 कितना हो 15 इंटू डी 45 है यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 यहाँ आ जाएगा 45 माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 15 डी। ये हो जाएगा 45 माइनस 5 हो जाएगा 40 इक्वल टू 15 डी। डी फाइंड करना है, डी कितना आ जाएगा 40, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आगे आ जाएगा डिवाइड में, 5 3 जा 15 5 8 जा 40 तो डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 8 अपॉन 3। डी भी आ गया और एन भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म दे रखा है 17 और लास्ट टर्म दे रखा है यानी ए एन दे रखा है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस 9 दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स है यानी एन फाइंड करना है, व्हाट इज देयर सम और एस एन फाइंड करना है। ए एन दे रखा है ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन दिया 350 ये दे रखा 17 प्लस एन माइनस 1 डी दिया है 9। 350 17 यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा एन माइनस 1 9। 350 माइनस 17 कितना आएगा, 350 माइनस 17 10 7 के 3 4 में 1 के 3 3 3 3 3 इक्वल टू एन माइनस 1 9। 9 मल्टीप्लाई में है यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 फिर 3 3 जा 9 10 11 21 2 हो जा 2 और 1 21 3 7 जा 21 तो ये हो जाएगा 37 इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस 1 है यहाँ आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा 38, एन आ जाएगा 38, एन 38 आ गया। अब फाइंड करना है हमें एस एन, एस एन का फॉर्मूला क्या था, एन अपॉन टू जब हमें ए और ए एन दोनों दिया होता है तो ए प्लस ए एन होता है। ठीक है, ए एन लास्ट टर्म होती है, एन हमें फाइंड किया 38 अपॉन टू, ए हमें दिया हुआ 17 प्लस ए एन भी दिया हुआ है 350। ठीक है, 38 टू 1 जा 2 टू 9 जा 18 19 हो जाएगा, 350 प्लस 350 प्लस 17 कितना होगा, ये हो जाएगा 367। ठीक है, 19 इंटू 367 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6973, ये आ जाएगा एस एन।